इस कार्यक्रम के समिति के अध्यक्ष ओंकार सिंह जी लखावत आज यहाँ उपस्थित, अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी जी, अजमेर के विधायक जो कुछ देर पहले यहाँ तक थे, देवनानी जी, अनीता बदेल जी, अजमेर के महापौर एवं उपस्थित सभी अधिकारीगण, और इस कार्यक्रम के आयोजन में जिन्होंने मदद की और जिनके हिस्सेदारी से ये सब मुमकिन हुआ, वह सब उनको भी मैं संबोधित करता हूँ। आज पधारे सभी अतिथि, आप सबको मेरा नमस्कार, राम राम, और जैसे हम कोटा में कहते हैं, जय गोवर्धन नारायण। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप सब ने मुझे आपके बीच उपस्थित होने का अवसर दिया, और मैं धन्यवाद देता हूँ आयोजन समिति को और आप सबको कि इस स्थल पर जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के राज्य की राजधानी रही, इस जगह मैं आज उपस्थित हूँ। और हम सब जब इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, इसका एक खास महत्व होता है कि हम अपने महापुरुषों को याद रखें, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके जीवन काल से हम कुछ सीखें, ताकि आने वाली पीढ़ी, युवा जो आगे जाकर देश की कमान संभालेंगे अलग अलग क्षेत्र में, वो इससे प्रेरित हों। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो मैं ज़्यादा क्या बोलूँ आप सबके सामने, आप सब जानते हैं और चाहे तो कहीं इंटरनेट पे सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पर वो राष्ट्र के प्रति समर्पित थे, राष्ट्र की अक्षुण्णता और अखंडता के लिए उन्होंने पूरा जीवन बिताया, बलिदान दिया, साहसी थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने हाथों से शेर को मारा था, ये कहा जाता है, और उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, कई विषयों पर अच्छी जानकारी रखते थे, जैसे कि गणित, इतिहास, पेंटिंग। तो उन्होंने ये हमारे सामने ये बात रखी, दिखाया कि केवल धनुर्विद्या या लड़ाई के मामले में क्या छोड़कर और चीज़ों की जानकारी भी होना जरूरी है। तो इनके जीवन काल से हम क्या क्या सीख सकते हैं, आपके सामने आकर उनके जीवन पर ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता, पर मुख्य मकसद ये है कि हमने उनके जीवन का अध्ययन करके क्या सीखा। राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना, किस प्रकार अंतिम क्षण तक हम अपने असूलों पर खड़े रहें और जानकारी रखें अलग अलग चीज़ों की, क्योंकि ये अपने जीवन में कहीं ना कहीं आगे विकास के लिए काम आती है। इस सब पर हमें, मैं समझता हूँ, ध्यान देना चाहिए। ओंकार सिंह जी ने कई बातें आपके सामने बताई, अनीता जी ने कुछ बहुत कुछ कहा, दिव्यानी जी ने भी अपनी बात रखी कि किस प्रकार पहले किसी वजह से जो अध्याय पृथ्वीराज चौहान पर अपने पुस्तकों में थी, उन्हें हटा दिया गया। तो मुझे पूरी आशा है कि जल्द ये जो कमी है उसको सीधा कर दिया जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा। और जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में कोई भी सोचता है, तो चंद बरदाई की वो पंक्तें याद आती हैं, चार बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। उस समय इन पंक्तियों का कुछ और महत्व था, क्योंकि इसके जरिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो बंदी थे और जिन्हें अंधा कर दिया गया था, इस डायरेक्शन से वो अपने शब्द बेदी बाण से मोहम्मद गोरी को मार सके। पर ये पंक्तियाँ आज भी परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। जो ये नाप है, चार बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ये एक तरीके से ये नाप है कि हम अपने जिंदगी में लक्ष्य से कितने दूर हैं, इसका हम आकलन करें और किस प्रकार हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए
इस पर ध्यान दें। और जिस प्रकार सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने न देख पाते हुए भी अपने लक्ष्य पर निशाना साधा, उस प्रकार हम भी इस पर केवल ध्यान न दें जो हमें दिखता है, अपनी आंतरिकता से महसूस करें कि हमें क्या करना चाहिए और उस हिसाब से अपन आगे बढ़ें। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए आखिर में ही कहना चाहूँगा कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और आप सबके प्रति यही मेरी भावना है कि आप सबका निशाना अचूक रहे जैसे महाराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान का था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय गोदन।